हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेंड विद गौरव। तो आज हम लोग का सेकेंड डे, आज हम लोग आए नैनी लेक में और आज हम लोग सफर करेंगे नैनी लेक का और यहाँ से हम लोग जर्नी पर स्टार्ट करने वाले हैं नैनीताल का। नैनीताल कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए? नवंबर या दिसंबर या जनवरी या फरवरी। अच्छा, उस टाइम मौसम यहाँ पे क्लियर रहता है, उस टाइम जो है कि मौसम साफ रहता है। उस टाइम जो है यहाँ से हिमालय वगैरह अल्मोड़ा रानीखेत कौसानी और ये नेपाल बॉर्डर चिनवन जितना है साफ दिख जाता है। नौ से नैनीताल में आए हैं, नौ से नाव बैठे हैं, नौ से नैनी झील है, नौ से नैनी देवी का टेम्पल भी है, नौ से नैनीताल का नाव भी है, नौ से यहाँ पे नौ ताल भी हैं। नैनीताल है, भीमताल है, नौकुचा ताल है, कमल ताल है, सरिया ताल है, सूखा ताल है, यहाँ पे नौ ताल हैं। हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे, उसका सवाल का जवाब देंगे। देखो, जैसे हम नौ से नैनीताल में आए हैं, हम बैठे हैं नाव में, नाव चली है पानी में, पानी के अंदर है 500 मछलियाँ, उसमें से एक मछली मर जाती है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है ये बताना है आपने। तो इस चीज़ के लिए आप कमेंट कीजिए और नीचे आंसर दीजिए। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो उल्टी गाड़ी चलाता है? ये खुद चला रहे हैं, नाव वाला ये चलाता है। भैया खुद चला रहे हैं। तो फिर जितना ये आसान दिखता है बोटिंग ये जो करते थे उतना आसान है नहीं, काफी डिफिकल्ट है करना। और क्या बताऊं, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। जो हम ठोकने वाले थे किसी को, भैया ने मना किया, जो ज़्यादा ऐसे मत करो तो दिक्कत हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चलाना ये बोट को, मतलब बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल, पूरा जोर लग रहा है। आज दक्षिण में नैनीताल का सूखा दल पहुँचा दो तो काफ़ी मान जाएंगे हम। ये पूरा मेहनत करते हुए अक्षय भैया तो हम सूखा दाल पहुंच जाएंगे आज हम लोग नैनीताल के बजाय। वाह, तो बोटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, अब मिलते हैं माल रोड की तरफ। तो भैया कैसा लगा भाई? बहुत ही मज़ेदार, ऐसा लग रहा है कि शायद एक किसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे। वह चक्कर के लिए 210 रुपये लगेगा और आधे चक्कर के 160। यहाँ पर आप हर ब्रांड और मैक्सिमम देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इस तरफ है नैनी लेक, इस तरफ है, और इधर आप आराम से आइए शॉपिंग कीजिए। कुछ होटल्स भी हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। दिल बाज़ार यहाँ पे जितना जो आइटम्स आप देखिएगा वो सारा वैक्स का बना रहता है, यहाँ पे सारा जो आइटम्स है वो वैक्स का बना हुआ है। और इसका जो प्राइस है 30 रुपीज़ है, एंड ये सेंटेड वाला है, देख सकते हो सेंटेड है, सब वैक्स का ही बना हुआ है। ये आइसक्रीम का फ्लेवर में आइसक्रीम का बना हुआ है, और भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ माल रोड का, काफ़ी छोटा है, मतलब बहुत कम स्पेस में सिमट जाता है। और अगर मैं शिमला का बात करूँ उसका, वो काफ़ी बड़ा है, आप वीडियो देखना तो वो देख सकते हैं, शिमला का माल रोड का भी वीडियो पड़ा हुआ है। दोस्तों की रेस्टोरेंट है और इसका जो हाल ही में ऑर्डर किया ये देख सकते हैं, साथ में हम लोग को दिया गया है काला जामुन। एक मैंने काला जामुन ऑर्डर एक्स्ट्रा किया है, और साथ में है चार चपाती और पापड़। आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ के ऊपर खावड़ रास्तों से चलते हुए, आप छह अलग अलग प्राकृतिक हम लोग इको के पार्क आ चुके हैं। और इसका जो टिकट का प्राइस है वो है 100 रुपीज़ है पर हेड। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डंडे से कुछ लोग हैं, वेलकम के पार्क। और ये जो पेड़ देख के बात कर रहा है मेरे से, देख रहे मतलब पेड़ यहाँ पे बोल रहा है। पर्यटक बनकर आए, मित्र बनकर जब बहुत अच्छा लगेगा, गुफाओं में सावधानी पूर्वक चले। लेट्स सी वे टू केव, यहाँ से स्टार्ट करते हम लोग। बुल राइड होता है यहाँ पे, बुल राइड हो रहा आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं टाइगर केव, पैंथर केव, और यहाँ से है पॉर्क केव, बैट्स केव, फ्लाइंग फॉक्स केव और एप्स केव। तो पहले विल कवर
टाइगर केव। यहाँ से रास्ता है, सुन रहे आवाज आ रही है, टाइगर केव। यहाँ पे देख रहे केव है टाइगर का। क्या शेर मिलेगा भैया बताइए? कुछ शेर मिलेगा अंदर? हमें शेर मिलेगा, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं, उसको सिर्फ एक टॉफी देनी है। अच्छा अच्छा। और वो फिर हमें जाने देगा। अच्छा अच्छा। मतलब भैया बोल रहे एक टॉफी देकर जाना होगा यहाँ पे। देखिए ये शेर की गुफा है और ये उसका खाना है। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पानी गिर रहा है, काफ़ी गीला है, और ये रास्ता जाने का है। ये पत्थर ओरिजिनल है, पानी सब कुछ ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, और जो पानी ऊपर से गिर रहा है सब ओरिजिनल है। भैया हम लोग सही जा रहे हैं, बहुत पाएंगे हम लोग आज, सही में शेर आ गया तो क्या होगा। ये केव है, भैया जी यहाँ से आ रहे हैं, और ये केव हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ से हम लोग पहुँचे, तो यहाँ से हम चलते ऊपर, यहाँ से निकल गए हैं शेर की गुफा से। बच्चों और ऊँटों को लेकर से, हाँ, अब ये एक पैंथर के जो शेर से ज़्यादा खतरनाक है इसको, और अगर आपको नहीं जाना तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट है। तो बट हम लोग जाएंगे, तो दिल वाले ना जाएं, तो हम लोग जाएंगे पैंथर के, हाँ, क्योंकि हम हैं दिल वाले। तो यहाँ हम पैंथर केव के लिए एक बार फिर से रेडी हैं, जा रहे हैं अंदर। ये जो केव है कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जितने खतरनाक ये केव है उस हिसाब से तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस शेर से ज़्यादा खतरनाक पैंथर को ही होना चाहिए। यहाँ मतलब तो मुझे कैमरा तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रास्ता है निकलने तो प्रॉब्लम होगा। हम लोग यहाँ से आए हैं, तो देखते ट्राई करते हैं पैंथर के वह, और हम लोग जा रहे हैं पैंथर से मिलने। अरे भाई साहब, ये तो यहाँ पे देखिए ऊपर का नज़ारा, और यहाँ से रोशनी आ रहा है, और हम लोग जाना है उधर। ये शेरावाली माता की जय। भैया को भैया को शेरावाली याद आ गई, और यहाँ से दिख गया हम लोग को एग्जिट। देखिए पैंथर निकल रहा है यहाँ से, ये पैंथर निकल रहा है यहाँ से, शेरावाली माता की जय। हम लोग टाइगर और पैंथर के घूम चुके हैं, यस। अब हम लोग जो बचा था पॉइंट, वो ये पॉइंट पॉर्क्यूपाइन केव, बैट्स केव, फ्लाइंग फॉक्स केव, एप्स केव, वो है फ्लाइंग फॉक्स केव, उड़ता हुई लोमड़ी केव, इधर से जाना है टाइगर केव। जैसे कि हम लोगों के मन में एक हमेशा से हॉरीफाइंग इमेजिनेशन रहता है, आई थिंक उससे ज्यादा हॉरीफाइंग थी पैंथर की केव, मतलब उसका तो बिल्कुल भी लाइटली ना ले गाइस, बहुत आराम से जाए एंजॉय करते वक्त, और ये खुद फील करके जाएं कि आप खुद एक टाइगर या पैंथर हैं, तब आप बड़े आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख सकते हैं, और यहाँ पे एयर साइकिलिंग है, और ये है प्रोक्यूपाइन केव, तो यहाँ से जाना हम लोग को। देखिए ये केव जाने का रास्ता है, जैसे ना माता वैष्णो देवी दर्शन करना है वैसा है। क्या हो गया भैया? बहुत ज्यादा ही नीचे है ये, हम 6 फुट के बंदे हैं भैया, पैर जमीन पे भी रिगार्ड है तब भी नहीं निकल पा रहे। अच्छा इतना नीचे है क्या? क्रॉल करके जाने की? क्रॉल करके जाने। अच्छा अच्छा, तो हम आगे जाओ जाओ, एक बार होके तो आना चाहिए। ये है प्रोक्यूपाइन केव, देखते हैं, रिव्यू सुना होगा आपने, रिव्यू ले ही चुके हैं 6 फुट के बंदों से। अच्छा ये बहुत सक्रिय, देखा पतला सा दिख रहा है, तो चलते हैं। हम लोग अभी प्रोक्यूपाइन केव से वापस आए, क्यों आए? रास्ता आगे बंद। अच्छा ये वे? हाँ, मुझे अक्षय भैया का, गौरव बैठे हुए दिखाई, अक्षय भैया मुझे मिल गए। हाय अक्षय भैया, कैसे हो? ये गौरव जी हैं, ठीक है, मैं एडिट कर रहा हूँ, कर रहे हैं सब लोगों को सिर पे हाथ। ये कैंटीन का रास्ता जाने का है, और यहाँ पे है फ्लाइंग फॉक्स केव में, भैया उड़ के जाएंगे, दिखाएंगे उड़ते हुए कैसे। भैया उड़ते हैं, भैया उड़ के देखो, यस। तो भैया फ्लाइंग फॉक्स केव में जा रहे ये फ्लाइंग फॉक्स, तो भैया फ्लाइंग फॉक्स केव में जा रहे हैं, एरिया हम लोग पहुँच चुके, वो केव है, हम लोग यहाँ से हम लोग आए जा रहे हैं। यहाँ पे दो केव है, एक फॉक्स केव है
और यहाँ पे बॉक्स किधर जाते हैं? एप्स, ये बॉक्स हम कवर कर चुके हैं। हाँ, और ये एप्स के है, देख सकते हैं यहाँ काफी अंधेरा है। yes. और यहाँ पे लोग देख सकते हैं कितना सक्रिय हो जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, आपके अपने चहीते गौरव मुश्किलों का सामना करते हुए। तो अब मैं वेरी गुड बस यहाँ से एग्जिट है और हम लोग लीड करते हुए अच्छे आगे जा रहे हैं। रास्ता बहुत खराब था, देख सकते जैसे हम लोग आए हैं। ये है जो हमने अचीव करा है नीचे जाके। ये भैया अचीव किया, ये मेरे भी अचीव किया। इसलिए बारिश हो गया था ना, तो केव थोड़ा सा सच में केव दिख रहा था। वैसे अगर आइएगा तो केव नहीं लगे, मतलब प्रॉपर साफ रहता है। वीडियो में नहीं पता कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट एक रियल केव की तरह ही फीलिंग आया। सकते हैं जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, और ये कैफेटेरिया है जहाँ पर खाना खा सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ भी है जहाँ से हम नैनीताल को देख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। यहाँ से कोई ज़्यादा कोई लोग नहीं है, तो नैनीताल का व्यू देख सकते हो। सॉरी, देखिए ये सिटी नैनीताल का। तो अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट केव में है तो आप आ सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ होता है थोड़ा सा, मतलब चार्जेस 100 रुपीज़ सबका। कैफेटेरिया भी है और कुछ इतना नहीं घूमने के लिए यहाँ पर, तो छोटा है, मिनिमल है, और आप यहाँ पे आराम से हाफ एन आवर घूम सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, सामने देख रहे होगे, खेलने के लिए अच्छा है। ये जो देखो सामने, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। हम लोग का ये केव का जर्नी कंप्लीट हो रहा है। ट्रिप कंप्लीट होता है और हम लोग आनंद विहार बस स्टैंड के पास है। ये जा रहे अपने घर मुरादाबाद। मैं जा रहा हूँ अपने वापस फिर से वही रूम में, साउथ एक्स दिल्ली में। तो मिलते हैं आप थोड़ा और जर्नी को, और कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर कैसा लगा ये पूरा ब्लॉग।